ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाए जाने की खुशी में रामपुर बुशहर के भाजपाइयों ने जश्न मनाया। रामपुर बाजार में सरकार के समर्थन में नारे लगाते हुए बताया कि मोदी सरकार ने एक विधि एक विधान एक राष्ट्र एक संविधान के नारे को साकार किया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में भारत देश अब एक संविधान हुआ है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाए जाने की खुशी में रामपुर बुशहर के भाजपाइयों ने जश्न मनाया। रामपुर बाजार में सरकार के समर्थन में नारे लगाते हुए बताया कि मोदी सरकार ने एक विधि एक विधान एक राष्ट्र एक संविधान के नारे को साकार किया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में भारत देश में अब एक संविधान हुआ है। इस दौरान लोगों ने मोदी और अमित शाह को बधाई दी और कहा कि 70 सालों की बीमारी को मोदी सरकार ने एक झटके में खत्म कर दिया है। ये जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की भी आलोचना की और बताया कि कांग्रेस ने इसमें समर्थन नहीं किया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्यामलाल गुप्ता ने बताया कि देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कदम उठाया है। ये एक साहसिक एवं देश हित में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। इसके लिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है। उन्होंने बताया कि आज इस खुशी में लोगों ने रामपुर में भी जश्न मनाया है। आज जो जश्न मनाया है ये धारा 370 को खत्म करना और 35 ए को खत्म करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की। और मैं इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को सभी को बधाई देता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से जो आज देश में एक खुशी का माहौल पैदा हुआ है। और जो भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश सचिव सुषमा माघेक ने बताया कि आज पूरे भारत में खुशी का माहौल है। जम्मू कश्मीर में धारा डाकर एक लंबी बीमारी का अंत किया है। ये 70 साल की जो ये बीमारी थी, अमित शाह जी और मोदी जी ने मिलकर ये एक झटके में जो समाप्त की है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर का इंच इंच अब राष्ट्र का है, हिंदुस्तान का है। इसमें किसी भी भारी का दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए पूरा देशवासी, सारे हिंदुस्तानी, हम रामपुर वासी बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। इसमें हम